हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमिताज किचन, कुछ मीठा कुछ नमकीन। आज मैं आपके लिए एक ब्रेकफास्ट रेसिपी लेके आई हूँ, जो एज ए इवनिंग स्नैक भी खा सकते हैं, बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं, बड़ों को टिफ़िन में दे सकते हैं, तो बनाना भी बहुत आसान है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्टफ्ड सूजी पैनकेक्स की रेसिपी। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये सूजी स्टफ्ड सूजी पैनकेक बनाने के लिए सबसे पहले हमें सूजी का बैटर बनाना होगा। इसके लिए सबसे पहले हमें सूजी को बाउल में डालेंगे। एक कप देखिए मैंने सूजी ली थी, ठीक है, और उसके बाद मैंने ये देखिए 1/4 कप मैंने बेसन लिया हुआ है और 1/2 कप दही है, कर्ड है। इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 कप सूजी, और सूजी देखिएगा, कोशिश करिएगा महीन वाली सूजी लेनी है। अगर नहीं है तो आप 1 कप सूजी को, मोटी वाली सूजी है तो उसको मिक्सर ग्राइंडर में चला सकते हैं। देखिए इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 कप पानी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि लम्स ना पड़े इसमें। इस तरीके से हमने अच्छे से मिक्स कर लिया इसको। अब इसके बाद हम इसको 15 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। और चलिए जब तक हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं सूजी पैनकेक की। चलिए अब हम इसकी स्टफिंग बना लेते हैं। सबसे पहले हम पैन में अराउंड 1 टेबल स्पून ऑयल डाल लेंगे। ऑयल आप जो भी डालना चाहें, देसी घी में बनाएं, रिफाइंड में बनाएं। इसके बाद इसमें हम एक छोटा प्याज, महीन कटा हो या लंबा कटा हो वो भी आपकी चॉइस पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डाल देंगे। साथ में एक छोटी सी कटी हुई एक ग्रीन चिली डाल देंगे। इसको अब हमने अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें प्याज को डार्क नहीं करना है, बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना है, डार्क ब्राउन या कुछ भी, हल्का सा पर ट्रांसपेरेंट हो जाए बस, उतना ही इसको हमने पकाना है ऑयल में। बस 1 मिनट के लिए हम इसको फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि 1 मिनट हो गया है। इस टाइम पे अब हम इसमें थोड़ी सी, देखिए एक टुकड़ा छोटा सा कैरेट का कटा हुआ है, गाजर का एक छोटा सा, 1/2 समझ लीजिए, अराउंड 1/2 कैप्सिकम है, महीन महीन काटी हुई है जी, वैसे ही हेल्दी होती है। और उसके बाद हम इसमें वेजीज डाल देंगे बहुत सारी, तो और भी हेल्दी ब्रेकफास्ट हमारा बन जाएगा। और बच्चों के लिए तो हमें लगता है कि उनको वेजिटेबल्स कैसे खिलाएं, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका हो जाता है बच्चों को वेजिटेबल्स खिलाने का। बस इसको भी हमें क्रिस्पी क्रंची रखना है, हमें इनको गलाना नहीं वेजिटेबल्स को। अब इसके बाद हम इसमें 1/4 स्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे, इसमें 1/4 स्पून धनिया पाउडर डाल देंगे, इसमें 1/2 स्पून अराउंड इसमें सॉल्ट डल जाएगा, बाकी वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से देख लीजिएगा, और 1/2 स्पून से थोड़ा सा कम इसमें रेड चिली पाउडर डल जाएगा। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। देखिए हमें मसाले हल्के से बस भून लेंगे। अब उसके बाद हम इसमें ये देखिए 2 मैंने मीडियम साइज के आलू हैं बॉईल करके मैश करके रखे हैं, अब हम इनको डाल देंगे स्टफिंग में और इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए अगर आपके पास आलू बॉईल पड़े हुए हैं तो आप ये ब्रेकफास्ट आप ये इंस्टेंट बना सकते हैं फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है। और वेजिटेबल्स जो आपके पास पड़े हैं, जो डालना, बीन्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, कुछ भी आप बना सकते हैं। और देखिए ये फटाफट बन जाता है ये ब्रेकफास्ट। ये देखिए इसको दबा दबा लेंगे, आलू को अच्छे से मैश कर लेंगे इसको अच्छे से, और थोड़ा सा मसाला को भून भी लेंगे क्योंकि इसमें आलू में कच्चापन ना लगे। अच्छे से इस तरीके से पूरा मैश कर लेंगे आलू को, मैश किए हुए थे ऑलरेडी, बट इसके बाद फिर भी हम इससे हम अच्छे से, देखिए
हमारी स्टफिंग रेडी हो गई है। नमक मिर्च आप कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद हम थोड़ा सा इसके बाद इसमें हम डालेंगे हरा धनिया। ठीक है, पैनकेक्स की सूजी पैनकेक की स्टफिंग हमारी रेडी हो गई है और वो उनको 15 मिनट के लिए हमने सूजी को ढक के रखा था। 5 मिनट और बचे हैं, हम 5 मिनट के लिए उसको अभी और छोड़ देते हैं, उसके बाद चलिए हम पैनकेक बनाना स्टार्ट करते हैं। जब तक हमारी फिलिंग ठंडी हो रही है तब तक हम ये सूजी का बैटर देख लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। 15 मिनट हो गए, ये देखिए ये तो काफ़ी थिक हो गया है पड़े पड़े। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसको अच्छे से फिर से मिक्स कर लेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी वही रखनी है जो हमारा जैसे डोसा बनाते हैं उसका बैटर होता है, बिल्कुल उसी हिसाब से रखेंगे। अभी थोड़ा सा और ठीक है, थोड़ा सा पानी और डाल देंगे इसमें हम। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ये देखिए अब ये देखिए बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी आ गई है इसकी। पहले मैंने अराउंड हाफ कप पानी डाला था, अब हाफ 1/4 से थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाला है। आप जब डालेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, ये देखिए बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी है इसकी। इस टाइम पे अभी इसमें हम अराउंड हाफ स्पून सॉल्ट डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि हम ऑलरेडी जो फिलिंग बना रहे हैं उसमें भी हम डाल चुके हैं। आधा स्पून ये बेकिंग सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है वो डाल देंगे इसमें और इसको अच्छे से चला लेंगे। और हम इसके बाद हम फटाफट पैनकेक्स चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। फिलिंग भी हमारी रेडी हो चुकी है, ये देखिए। चलिए अब हम पैनकेक्स बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक नॉनस्टिक पैन ले लिया है, इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालना है। और इसके बाद इसको ऑयल को हम ब्रश से सारा अच्छे से पैन में फैला लेंगे। इसके बाद ये हम बीच में सेंटर में डालेंगे और बीच से हिलाएंगे। इसके बाद गैस मीडियम टू स्लो फ्लेम पे रखनी है। इसके बाद ये जो देखिए हमारा आलू का ये फिलिंग बनाई हुई थी, इसको चपटा, जितना चपटा बनाएंगे आप उतना ही अच्छा बनेगा इसको। बस इसके बाद इसके ऊपर आप हम रख देंगे। और इसके बाद ऊपर से फिर इसको हमने कवर कर देना, ज़्यादा नहीं डालना है, बस इतना डालना है कि जितना ये ऊपर से ये जो हमने आलू डाला है ये कवर हो जाए। बस इसको हमने स्लो फ्लेम पे करना है। इसके बाद अब हम इसको कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए और उसके बाद हम इसको पलटेंगे। अराउंड 3 मिनट हो गए, चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं। अंदर से लग रहा है अच्छे से हो गया है, इसको हम धीरे से ये देखिए पलटते हैं, ये देखिए कितना बढ़िया बना है। इसके बाद हम इस साइड पे थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। थोड़ा साइड में ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे। इससे ऑयल लग जाए इसमें। इसके बाद हम इसको इस साइड से भी कवर करके अराउंड 3 मिनट के लिए
पका लेंगे। कि 3 मिनट हो गया, अब इसको ढक के चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारा इधर से भी बिल्कुल तैयार हो गए। अब हम इस पैन केक को निकाल के प्लेट पे रख देते हैं और एक और बना लेते हैं। कितना बढ़िया बन गया। चलिए अब हम दोबारा एक और बना लेते हैं। सूजी को देखिए, आप सोचेंगे कि पकती है नहीं पकती, क्योंकि सूजी वैसे भी दही में भीगी भी रहती है, 15 मिनट पानी होता है सूजी होती है, तो ऑलरेडी वो फटाफट पक जाती है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये हमारा हो गया, इसको अब हम फिर कवर कर देते हैं इसी तरीके से। चलिए हम ये वाला भी बना लेते हैं और फिर हम सर्व करके। हमारा दूसरा पैन केक भी रेडी हो गया है। चलिए अब हम इनको जितने हैं सारे बना लेते हैं। उसके बाद अराउंड 4 पैनकेक्स बन जाएंगे इसमें, जो मैंने आपको बताया था। चलिए बाकी के भी हम बना लेते हैं और सर्व। मेरे सारे पैनकेक बन गए। चलिए एक मैं आपको काट के दिखा देती हूँ किस तरीके से आएगा अंदर से, उसके बाद मैं सर्व करूँगी। पूरी स्टफिंग है आलू की, ये देखिए मज़ा आ जाएगा। आप जिसको खिलाएंगे वो भी खा के खुश, और आपको भी, जब सबको मज़ा आएगा खाने में तो आप भी बना के खुश। चलिए मैं इसको सर्व कर देती हूँ। देखिए ये हमारे खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गए। इनको ट्राई करिए, बनाइए, और बनाना तो बहुत ही आसान है, आप देख के ही समझ गए होंगे, और बच्चों को बड़ों को सबको घर में बहुत पसंद आएगा। और ये बहुत ही फिलिंग ब्रेकफास्ट होता है कि आपने अगर एक भी बच्चे ने आपके खा लिया तो दैट मीन्स आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि अब बच्चा मेरा भूखा नहीं रहेगा। और शाम को इवनिंग टाइम पे भी आप बना सकते हैं कि भूख लगी है तो चलिए आप ट्राई करिए और बताइएगा कि आपका कैसा बना। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।